अगर मैं आप सभी से ये कहूं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी एक ऐसा रेल मार्ग था भारत में जो आज़ाद नहीं हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में चलने वाली नैरो गेज की शकुंतला रेलवेज 2016 तक अंग्रेज़ों के अधीन थी, और इस अनोखे रेल मार्ग पे हमें सफ़र करने का मौका तो नहीं मिल पाया, पर इससे जुड़े इतिहास को करीब से देखने के लिए हम पहुंच गए नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर यवतमाल में। आज स्टेशन तो खुला है पर कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा। स्टेशन के बाहर की दुकानों पे यात्रियों की भीड़ नहीं दिख रही। नए जमाने के यवतमाल में ये 115 साल पुराने ईंटों से बना ये स्टेशन आज भी अंगद की पैर की भांति जमीन से बहुत मजबूती से जुड़ा है। कुछ लोग जरूर से स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, जो कि या तो स्टेशन का कोई स्टाफ है या फिर कुछ यात्री जो अपने आरक्षित टिकट बुक कराने के लिए आए हैं किसी दूसरे सफ़र के लिए। यहाँ का रिजर्वेशन काउंटर आज भी लोगों के लिए खुला है, पर बोर्ड पे लिखे एंट्रेंस में सफ़र करने के लिए नहीं। जब हमने नैरो गेज की पटरियों को ढूंढने की कोशिश की तो वो झाड़ियों में कहीं छुपी हुई मिली, जिनमें ट्रेन ना चलने से अब बस जंगली झाड़ियों और पौधों का ही अधिकार है। यहाँ आसपास के लोग आते ज़रूर हैं, पर या तो अपने मवेशियों को आहार देने के लिए या फिर जिंदगी की भाग दौड़ से दूर हटके एक पल चैन से बैठकर सुस्ताने को। यवतमाल से अचलपुर तक फैला ये रेलवे लाइन करीब 190 किलोमीटर लंबा था, जिसको निक्सन एंड कंपनी ने 1903 में बनाया था, जो उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस रेलवे के अधीन था। शुरुआत में मैनचेस्टर में बने ZD स्टीम इंजन्स इस रूट पे चला करते थे, और यहाँ पे आप वाटर ओवरहेड टैंक देख सकते हैं जो स्टीम इंजन के लिए बनाया गया था। और हैरानी की बात ये है कि 1994 तक इस रूट पे स्टीम इंजन ही चलाया गया, फिर उसके बाद ZDM के जो डीजल इंजन्स थे नैरो गेज के वो चलाए जाने लगे। खैर, उनको हम आपको दिखाएंगे पर थोड़ी देर बाद। ये ट्रेन नहीं क्या? यवतमाल से मूर्तिजापुर जाती है ये ट्रेन। तो बैठे हो उसमें? हाँ, मैं बैठा हूँ। छोटी गाड़ी थी कि बड़ी गाड़ी थी? छोटी गाड़ी थी, 3-4 डब्बे थे उसमें। मजा आता था क्या चलने में? ओ, बहुत मजा आता था। हम यहाँ से जाते थे तो एक नदी थी बीच में, नदी में हम 1-2 रुपए डालते थे। और वहाँ 3 पटरी है, आधी यहाँ पटरी थी, एक घर भी था। वो 3-3 पटरी है, सिर्फ एक पटरी से जाते थे। वो एंगल ऐसा करते थे, एक पटरी से दूसरे पटरी पे जाती थी ट्रेन। एक इधर पटरी थी, वहाँ पे एक पटरी थी। वहाँ पे घूमता था इंजन ना ऐसे? हाँ, घूमता था। यहाँ इधर से इधर जाता था। वो जो है ना इधर, वो ये टपर का है ना, वो पहले नहीं था, सिर्फ वो ठेसन ही था। अभी वो बनाया गया है, खुर्चा उड़चा भी अभी डाले। और वो खुर्चा पहले के ही थे, वो है ना सीमेंट के, बहुत दिन के थे। और लाल कलर की कुर्सियां वो अभी डाली। और पहले पहले वो मालगाड़ी थी इधर पटरी के। मालगाड़ी चलती थी। अब बंद हो गई। नई गाड़ी चलने वाली है यहाँ पे, बड़ी वाली गाड़ी। बड़ी गाड़ी चलने वाली है। कौन सा अच्छा लगता है, छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी? छोटी गाड़ी बहुत अच्छी, छोटी गाड़ी अच्छी लगती है ना? क्यों अच्छी लगती है? इसमें मजा आता है ना उसमें। तो इन बच्चों ने अपने उम्र से बड़ी बातें इस रूट के बारे में बताई, जैसे मैं भी अपनी आंखों से उस चलती हुई ट्रेन का चित्रण कर रहा था। खैर, यवतमाल के बाद हम निकल जाते हैं मुर्तजापुर की तरफ, क्योंकि इस पूरे रूट की रूह यानी कि जो उसके रोलिंग स्टॉक्स हैं वो वहीं पे रखे गए हैं। और इस रास्तों पे कई जगह हमें ये मिट्टी में दबे हुए नैरो गेज के ट्रैक्स दिखाई दिए। ट्रेन ना होने के कारण अब इन क्रॉसिंग्स पे कोई फाटक नहीं है, और रास्ते में ढेर सारे कॉटन के खेत देखने को मिले, जो कि स्वाभाविक थे क्योंकि इस पूरे रीजन में कॉटन का पैदावार बहुत होता है। और इस रेल रूट का निर्माण भी इसीलिए किया गया था ताकि यहाँ से कॉटन को ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके। रास्ते में कहीं दूर किसी वाटरफॉल की आवाज़ आई, जो कि देखने के लिए हम बिना कुछ सोचे निकल पड़े। खैर, वो यात्रा आपको हम यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको हमारे दूसरे चैनल यानी कि लेजी ट्रिक पे जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ मुर्तजापुर में विदर्भा के अलग अलग रिमोट एरिया से ढेर सारा कॉटन जो था वो इस नैरो गेज के रास्ते यहाँ तक पहुँचता था,
फिर उसके बाद ब्रॉड गेज के रास्ते इसको मुंबई ले आते थे, फिर वहाँ से शिप के ज़रिए ये सारा जो कॉटन था वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होता था। दोस्तों जो स्टेशन है वो बहुत ही छोटा स्टेशन है और शांति बहुत स्टेशन पे है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है, मतलब एकदम जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना सपनों वाला स्टेशन, छोटे से स्टेशन, बहुत भीड़ नहीं, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं, बस कुछ छोटी मोटी इमारतें, गिने चुने एक दो प्लेटफॉर्म्स और आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे इस नैरो गेज लाइन की जो रोलिंग स्टॉक्स थे, लोकोमोटिव्स थे और कोचेस थे वो रखे हुए हैं। ये 190 किलोमीटर का रूट वैसे तो कॉटन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था, पर यहां के जो लोकल लोग थे उनके लिए ये एकमात्र माध्यम बन गया था जो कम पैसों में विदर्भा के दूर दराज इलाकों में अंदर तक सफ़र करते थे। वैसे अब इस रूट पे ब्रॉड गेज का विस्तार होने वाला है, पर इस बात का अफसोस ज़रूर से रहेगा कि आज़ाद भारत में 2016 तक गुलामी में रहे इस रेल मार्ग पे सफ़र ना कर पाए। ये बात सोच के आज भी यकीन नहीं होता कि पिछले 70 सालों से भारतीय रेलवेज इंग्लैंड को इस ट्रेन को चलाने के लिए रॉयल्टी पे कर रही थी। खैर यहाँ पे रखे जो सारे लोकोमोटिव्स हैं, कोचेज हैं, या तो इनको किसी देश को बेच दिए जाएंगे या फिर इनको पिघला करके एक नया आकार दिया जाएगा। खैर इस सफ़र में तो इतना ही, बाकी ये ऐतिहासिक सफ़र था तो बहुत शान, जहाँ इंजन की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, ना ही पटरियों की खटर पटर, पर इस खामोशी में भी उन पुराने दिनों की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।